नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति ढल। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पी चिदम्बरम के कश्मीर वाले बयान पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। कश्मीर पर अलगाववादियों और पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस पार्टी। हिमाचल चुनाव के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की होगी ताजपोशी। CWC की औपचारिक बैठक में होगा राहुल के अध्यक्ष बनने का ऐलान। चीन और पाकिस्तान से तनाव को लेकर भारतीय सेना बढ़ाएगी अपनी ताकत। 40,000 करोड़ के हथियार खरीदेगी सेना। ताजमहल विवाद पर बोले RSS नेता इंद्रेश कुमार, भारत के इतिहास पर होनी चाहिए बहस। और भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच में शतक लगाकर कोहली ने बनाया रिकॉर्ड। सबसे तेज 9,000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली। तो ये थी अब तक की सुर्खियां, अब रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के कश्मीर की स्वायत्तता वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने इस बयान को हथियार बनाकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पी चिदम्बरम को एंटी नेशनल बता रहे हैं। दरअसल शनिवार को गुजरात के राजकोट में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोगों से बातचीत से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब भी वो आज़ादी की बात करते हैं तो इसका मतलब वो ज्यादा स्वायत्तता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देनी चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री के इसी बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। चिदम्बरम पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम का बयान भारत के राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाता है, जो एक गंभीर मुद्दा है। जेटली के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता के बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चिदम्बरम को ऐसी टिप्पणियां करते देखना हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि उनके नेता भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा देने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। वहीं बीजेपी की इस तीखी आलोचना के बाद पी चिदम्बरम ने अपनी सफाई पेश की। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी निंदा से पहले बयान को पढ़ ले। इसके साथ ही चिदम्बरम ने एक अंग्रेजी अखबार की खबर का लिंक भी ट्वीट किया है। भले ही चिदम्बरम ने अपनी सफाई पेश कर दी हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा यह निर्विवाद रूप से बना रहेगा। साथ ही उन्होंने चिदम्बरम की टिप्पणी पर कहा कि किसी व्यक्ति का विचार जरूरी नहीं कि कांग्रेस का भी विचार हो। डीबी लाइव की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और स्मृति ईरानी के बाद अब पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। कर्नाटक में एक दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को बेशर्म तक कह दिया। बेंगलुरु रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग कश्मीर में आज़ादी मांग रहे लोगों के साथ स्वर मिला रहे हैं। कश्मीर पर ऐसे बयान देने वाले लोगों को शर्म भी नहीं आती क्या? ऐसे लोग देश के वीरों के बलिदान पर अपनी राजनीति करने पर तुले हुए हैं। ऐसे लोगों से क्या देश का भला हो सकता है? इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को इस बयान का हर पल जवाब देना पड़ेगा। हम देश की एकता अखंडता के साथ समझौता करेंगे भी नहीं और होने भी नहीं देंगे। आपको बता दें कि शनिवार को गुजरात के राजकोट में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोगों से बातचीत से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब भी वो आज़ादी की बात करते हैं तो इसका मतलब वो ज़्यादा स्वायत्तता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर को ज़्यादा स्वायत्तता देनी चाहिए। इसी बयान पर आज पीएम मोदी ने निशाना साधा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। वैसे बीजेपी सिर्फ चिदम्बरम पर ही नहीं बल्कि राहुल गांधी पर भी हमलावर है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने राहुल गांधी को चमगादड़ों का सरदार बताया है। ये बयानबाजी सिर्फ गुजरात चुनाव को लेकर है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या जुबानी जंग में एक सीएम को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? गुजरात के जूनागढ़ में दिवाली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस के विकास पागल है के जवाब में कहा कि राहुल गांधी चमगादड़ों के नेता जैसे हैं। जैसे चमगादड़ को प्रकाश में कुछ नहीं दिखाई देता, वैसे ही राहुल को विकास नहीं दिखाई देता। सीएम साहब ने इसके लिए बकायदा उदाहरण भी पेश किया। रूपाणी ने कहा कि एक बार चमगादड़ की एक सभा में उसके नेता ने पूछा, किसी ने सूरज देखा है? किसी ने प्रकाश देखा है? चमगादड़ को प्रकाश और सूरज कैसे दिख सकता है? ठीक उसी तरह राहुल गांधी अपनी सभा में पूछते हैं, किसी ने विकास देखा है? मैं तो बोलता हूँ कि चश्मा निकालो और देखो राहुल बाबा, तो दिखेगा। इतना ही नहीं, सीएम रूपाणी ने तो पागल विकास के जवाब में पूरी कांग्रेस को ही पागल बता डाला।
उन्होंने कहा कि इस पार्टी में कोई एक दो नेता पागल नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी ही गुजरात में भावी हार को देखकर पगला गई है। बीजेपी को संबोधित करते करते सीएम इतना गुस्सा गए कि उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि राहुल गांधी कान खोल के सुन ले, विकास की बातें कांग्रेस के लिए मजाक होंगी लेकिन बीजेपी के लिए मिजाज है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब बात गुजरात की ही हो रही है तो आपको ये बताना भी जरूरी है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर चुनाव आयोग ने जो राहत और बचाव कार्य की दलील दी थी, असल में वो पीड़ित किसानों तक पहुंची ही नहीं, जिसे लेकर किसानों ने चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। बनासकांठा जिले के जेतड़ गांव में फसलें पूरी तरह तबाह हो गई। सरकार ने किसानों के लिए राहत का ऐलान किया लेकिन 80% किसानों को वहाँ कोई मदद ही नहीं मिली है, जिसके खिलाफ पीड़ित ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन वहां भी कलेक्टर की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। सरकार के इस रवैये से आखिरकार आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के राज में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मन बनाया है कि वो सरकार को सबक सिखाने के लिए विधानसभा चुनाव का बायकॉट करेंगे। किसानों का कहना है कि राहत के लिए सरकार ने सर्वे तो करा लिया है, लेकिन अगर उन्होंने हमें मदद नहीं दी तो हम इस बार चुनावों का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। ऐसे में वोटिंग से किसानों की नाराजगी कहीं बीजेपी पर भारी न पड़ जाए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अगली खबर भी गुजरात से ही है लेकिन ये राजनीति से थोड़ी परे है। यह मुद्दा मासूमों की मौत का है। दरअसल अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में एक दिन में 9 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जिसके खिलाफ परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अस्पताल प्रबंधन ने पुष्टि करते हुए बताया कि शुक्रवार की रात 12 बजे से शनिवार रात तक 9 नवजातों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी नवजात बच्चे आईसीयू में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि 5 बच्चे बाहर के अस्पतालों से यहां इलाज के लिए रेफर किए गए थे, जबकि 4 सिविल अस्पताल में ही पैदा हुए थे। ये बच्चे बेहद कमजोर थे और कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही की बात से इनकार किया है। फिलहाल हॉस्पिटल के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि मृत बच्चों के परिजन हंगामे की स्थिति न बनाए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात सरकार को इसके लिए जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार या तो यह स्वीकार करे कि डॉक्टरों ने लापरवाही की या तो यह माने कि उनकी माताएं कुपोषित थीं। वहीं कांग्रेस नेता अर्जुन मोढ़वाड़िया ने कहा कि एक दिन में 9 बच्चों की मौत की खबर सुनकर वे बेहद दुखी हैं। यह घटना सरकार के स्वास्थ्य के बारे में लापरवाह और सुस्त रवैये को उजागर करती है। वैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के बीआरडी हॉस्पिटल में भी 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सियासत खूब गर्माई थी। वहीं माना जा रहा है कि सूबे के चुनावी मौसम में भी इस मुद्दे पर सियासत खूब गर्माने वाली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से। यहाँ भी बच्चे की मौत से सियासत गर्म है। एक 5 साल के मासूम की मौत मंत्री जी के काफिले के गाड़ी से कुचलकर हुई है, जिसके बाद सीएम योगी ने मरहम लगाते हुए परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मामला शनिवार शाम का है, जहाँ मंत्री ओम प्रकाश राजभर का काफिला गोंडा जिले से गुजर रहा था, तभी उनमें से एक गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मार दी। यह बच्चा अपनी माँ और दादी के साथ कर्नलगंज और पारसपुर को जोड़ने वाली सड़क के किनारे खेल रहा था, तभी वह इस वाहन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों और बच्चे के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि काफिले में से कोई भी बच्चे की मदद के लिए नहीं रुका। बच्चे के पिता विश्वनाथ ने दावा किया कि काफिले की एक गाड़ी में मंत्री खुद मौजूद थे और उस कार पर मालाएं लगी हुई थी। हालांकि मंत्री राजभर ने कहा कि जिस समय यह हादसा हुआ वह दूसरी कार में उस स्थान से करीब 25 किलोमीटर दूर थे। इस घटना से नाराज गांव वालों ने बच्चे के शव को सड़क पर रखकर 1 घंटे तक जाम लगाए रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बलपूर्वक बच्चे का शव सड़क से हटाने की कोशिश की। इसके बाद लोगों ने वहां आगजनी भी की। बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला बढ़ता देख पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर बेतुके ढंग से गाड़ी चलाने और लापरवाही का केस दर्ज किया है। वहीं राज्य सरकार ने बच्चे शिवा के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात ट्विटर पर मचे राहुल के धमाल की। राहुल गांधी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके दिया है, जिसे देखकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को जवाब देने के लिए एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने इस वीडियो को खुद ही शूट किया है। इस वीडियो में उनका पालतू कुत्ता राहुल के आदेश पर उनकी बातें मानता दिख रहा है। वीडियो में राहुल गांधी की आवाज़ भी सुनी जा सकती है।
जिसमें वे अपने कुत्ते को पुचकारते हुए नमस्ते करने के लिए कह रहे हैं। राहुल ने इस वीडियो के जरिए बीजेपी के उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल अपना ट्विटर अकाउंट खुद हैंडल नहीं करते और वो विदेशों से फर्जी अकाउंट द्वारा रिट्वीट करवा रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया था कि सॉफ्टवेयर से किए जाने वाले ये फर्जी रिट्वीट थे। इन्हीं आरोपों के जवाब में राहुल गांधी ने खुद से एक वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर किया ताकि बीजेपी को समझ में आ जाए कि वो अपना अकाउंट खुद ही हैंडल करते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें tblive.tv। नमस्कार।